नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस बार यूपी का चुनाव एकदम अलग होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मुद्दे हैं और दूसरी तरफ है विपक्षियों के झुंड की सीधी सीधी लड़ाई बीजेपी हटाओ वाली। यानी कि यूपी में किसी की भी सरकार बन जाए लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये विपक्षियों की पूरी कोशिश है। इसलिए तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक तरफ दिख रहे हैं और बीजेपी खुले शेर की तरह अपने राष्ट्रवाद और विकास वाले मुद्दे पर सवार है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एक साथ जोड़ने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव। वो छोटे छोटे उन तमाम दलों के साथ गठबंधन करने में जुटे हुए हैं जो बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। अखिलेश आरएलडी सुभाषपा समेत कई दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। अब वो उस पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं जिसके अध्यक्ष को सीएम योगी सपा का एजेंट बता चुके हैं। यानी कि सीएम योगी की बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आने वाले दिनों में अखिलेश यादव ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, इस बात का संकेत दिया है सपा के साथ हाल ही में गठबंधन करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजवर ने, जो सपा की रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव के साथ हर जगह दिखाई दिए। दरअसल राजवर ने कहा है कि AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, लेकिन उन्हें 100 सीटों पर लड़ने की डिमांड को छोड़ना होगा। हमने कहा कि 100 सीट मत मांगिए, कोई नहीं देगा, 10 सीट पर लड़ना है तो बताइए, फिर बात करें। दरअसल राजवर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी को अखिलेश का एजेंट बताया था। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है, अब दंगा नहीं दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। यानी कि सीएम योगी ने जो कहा वो बात अब सच साबित हो गई है, क्योंकि अब राजभर ने अपने बयान से अखिलेश और ओवैसी के बीच गठबंधन की कोशिश की बात को पुख्ता किया है। दरअसल राजभर ने ओवैसी और शिवपाल के साथ गठबंधन की बात की थी, फिर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर मऊ में सभा भी की थी। खैर, यह बात सच है कि राजनीति में एक एक शब्द के मायने होते हैं और इस बात को एक बार फिर योगी ने पुख्ता कर दिया है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ओवैसी अखिलेश के साथ साइकिल पर सवार होते हैं या नहीं। देखते रहिए केबल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।